हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई आज मैं भाई खेलने वाला हूँ GTA 5। और भाई साहब इस गेम में भाई मैं हूँ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, जो कि आप अपने कभी नहीं सोचा होगा इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तो भाई मैं सबसे पहले अपना फेवरेट शूट कर लेता हूँ भाई, क्योंकि आज एक ऐसा काम करने वाला हूँ कि आप भाई सोच को ही मत भाई। ऐसा मैंने आज तक कभी भी नहीं किया होगा भाई, ऐसा आज मैं करने वाला हूँ। ब्लू और ब्लैक भाई लेता हूँ शूट, ये वाला बहुत अच्छा रहेगा भाई। लेट्स गो, ये पहन लेते हैं भाई। तो हाँ गाइस, मैं कह रहा था आपको भाई, आज मैं करने वाला हूँ ऐसा बहुत बड़ा काम कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि भाई मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। और भाई मुझे हरने फरने के लिए एक बहुत ही अच्छा और लग्जरी कार चाहिए थी। और भाई सबसे पहले आप ये कार देख लो भाई, ये कार क्या बढ़िया है भाई। मेरे पास सबसे बहुत बड़ी ये कार है, और भी मेरे पास दो तीन और कार है भाई, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। लेकिन आप पहले ये देख लो भाई, यहाँ पे मैंने देखा टायर में भाई मैंने डोर के निशान रखे, और भाई इसके ऊपर मैंने भाई ब्लू कलर की रिंग रखी है, क्या बहुत ही बढ़िया लग रही है। और भाई ऊपर की ओर मैंने कार्बन फाइबर लगाया हुआ है भाई, बहुत ही बढ़िया है। और भाई आज इससे भी एक बहुत बढ़िया वाली कार खरीदने जाने वाला हूँ भाई। मैं आप सोचते ही भाई रह जाओगे कि भाई ऐसी किसी कार है, आपको भाई बहुत बड़ा मजा आ जाएगा। पहले हम कार लेके आते हैं भाई, तो सबसे पहले भाई यहाँ से किसी की कार उठा लेते हैं भाई, बाद में हम हमारी कार लेने के लिए जाएंगे। और भाई मैं कार लेने के लिए ऐसी जगह जाने वाला हूँ कि आप सोचोगे भी नहीं। सब लोग भाई जाते हैं शोरूम पे या भाई डीलरशिप के पास जाते हैं, मैं लेकिन जाने वाला हूँ एयरपोर्ट पे भाई। और पेशे हमारे लिए हमारे एक दोस्त है जिसका नाम आपको पता होगा, मैं कह देता हूँ फ्रैंकलिन, हमारा एक बहुत ही बड़ा दोस्त है और बहुत पैसे वाला। उसने भाई मेरे लिए बहुत ही बढ़िया कार भाई भेजी है मेरे लिए। तो सबसे पहले मैं यही किसी के पास से भाई कार ले लेता हूँ, कोई रुक जाएगा तो इसके पास से कार लेता हूँ, इसकी कार ले लेता हूँ भाई। क्योंकि वहाँ से जब मैं कार लेके आऊँगा तो भाई बहुत दिक्कत आ जाएगी मुझे, इसलिए भाई इसकी कार ले लिया भाई मैंने। लेट्स गो भाई, तो ये लेके चलता हूँ अपने भाई एयरपोर्ट पे। और एयरपोर्ट पे जाके भाई एक बहुत ही बड़ी मैंने कार ले ली है, और भाई उस कार में हम करेंगे सवारी। सबसे पहले मैं एक जगह वहाँ पे जाता हूँ भाई, वहाँ पे बहुत ही सुंदर कार होती है, यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे एक बिल्डिंग है, वहाँ पे बहुत ही सुंदर कार होती है, सबसे पहले वहाँ जाते हैं, बाद में भाई हम जाएंगे अपनी खुद की कार लेने के लिए। और भाई अब कार को इतना बढ़िया भाई कलर मैंने लिया कि आप सोचते ही रह जाओगे भाई, ऐसा कलर आप तक किसी ने भी नहीं लिया होगा भाई, ऐसा कलर मैंने करवाया स्पेशल अपने लिए। और उसमें जो उसको लेने के बाद मैं मॉडिफाई करूँगा, आप सोचते ही रह जाओगे भाई साहब, क्या बढ़िया मॉडिफाई करने वाला हूँ, आप देखते रहना। अब हर रोज एक वीडियो डालेंगे ऐसा भाई मैं कह रहा हूँ, लेकिन भाई एक दो दिन में तो एक वीडियो आ ही जाएगी GTA 5 की, आप देखना। और भाई मैं एक बहुत ही बड़ा इसमें बिजनेस भी शुरू करने वाला हूँ, इसलिए भाई मैं बहुत ही इतनी ज़्यादा कारें लेने वाला हूँ कि आप सोचते ही रह जाओगे, इतना बड़ा मैं बिजनेसमैन बनने वाला हूँ भाई इसमें। कि अब तो मैं सिर्फ प्रॉपर्टी बेचता हूँ और कुछ नहीं बेचता, ओनली फॉर प्रॉपर्टी और बिल्डर हूँ भाई, क्योंकि बिल्डर से अलावा कोई बढ़िया काम नहीं होता भाई, इसमें बहुत सी सारे पैसे मिलते हैं। आ चुके हैं भाई अपने कार की जगह पे। वो भाई साहब ये तो कार बहुत ही बढ़िया है भाई, इसलिए मैं देख लेता हूँ ये कार कैसी है। ओ भाई साहब ये तो भाई बहुत ही बढ़िया है, ब्लैक कलर की है, लेकिन हाँ भाई क्या कार है। तो इसी कार से भाई एक चोर को पकड़ते हैं, लेट्स गो भाई, किसी की मदद करते हैं इस कार से। और भाई ये स्पीड भी बहुत जल्दी पकड़ रही है भाई साहब। ओ भाई साहब अंदर तो पूरी की पूरी ब्लैक लग रही थी भाई, अंदर तो पूरी की पूरी ब्लैक थी। और भाई मैंने इस कार की बैंड बजा दी है, और भाई देख लो भाई पूरी भाई क्या ही कार है भाई ये तो। ओ भाई साहब क्या भाग भी रही है भाई, और इसकी ब्रेक तो देखो भाई साहब, इतनी बढ़िया कार होती है क्या भाई। लेकिन हमारी जो कार है ना वो इसका भी कुछ नहीं, ऐसी कार है भाई, मैंने जो कार मंगाई है ना वो इसका भी कुछ नहीं आ सकता भाई साहब। लेकिन ये गंदी जल्दी हो जाती है, हमारी वाली गंदी नहीं होगी, ठुकराएगी फिर भी इसको कुछ नहीं होगा। ऐसी कार मैंने मंगवाई अपने लिए भाई साहब, तो लेट्स गो भाई, इस कार को ही लेके चलते हैं हमारे भाई जगह पे, एयरपोर्ट पे चलते इसी कार को लेके भाई साहब, ये जल्दी पहुंच जाएंगे इससे भाई। लेट्स गो भाई, और भाई ये चमकती भी बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया चमकती है भाई, चलना भाई चल, वरना मैं ठोक दूंगा भाई, मैं गाड़ियों का बहुत ठोकता हूँ।
आपको पता नहीं होगा क्योंकि मैं कभी डाला नहीं हूँ गाड़ियों का इसलिए, लेकिन मैं गाड़ियों को बहुत ठोकता हूँ भाई। आप जो समझ रहे हो वो ठोकने वाला नहीं कह रहा भाई साहब। और भाई तुम्हारा भाई ने हाईवे पर गाड़ी चला दी है, और भाई साहब ये क्या रफ्तार पकड़ रही है भाई। और भाई इसकी एक खासियत है, जब ये धूप के नीचे होती ना तब ये वो भाई पूरी की पूरी भाई आईने जैसी लग रही है, और भाई जैसे ये इसके ऊपर कोई छाया आ जाता है ना तो ये पूरी की पूरी ब्लैक हो जाती है। ऐसी कार भी हम लेंगे भाई, ऐसी लेंगे क्योंकि हम एक बिजनेस शुरू करने वाले, तो इस कार का जरूर तो पड़ेगा ही भाई, ऐसी भी लेनी पड़ेगी। वो भाई साहब जो भी आया उसको भाई टालना ही है सीधा, जो भी रास्ते में आया वो भाई टालना है, क्योंकि भाई हमारा मूर्ख निकल जाएगा। अबे भाई साहब मुझे ही लग गई, क्योंकि भाई मेरा मुहूर्त निकल जाएगा तो बाद में मज़ा नहीं आएगा। पंडित जी ने कहा भाई टाइम इस मुहूर्त के अंदर भाई तुम्हें अपनी नई कार की डिलीवरी ले लेनी है भाई, इसलिए भाई पंडित जी की भी बात तो माननी ही पड़ेगी। पर भाई साहब कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट पे, और बच गया भाई, वरना एयरपोर्ट पे नहीं सीधे शमशान घाट पे घूम गया था मैं। इसमें भी आप शमशान घाट देखा होगा, वरना दिखा दूंगा एक दिन आपको भी। चल भाई मेरे सामने को, ओ भाई साहब गलत गलत रास्ता चुन लिया, वन वे वाले रास्ते में आ गए। अब कुछ ही देर में हम जाने वाले अपनी नई कार के पास भाई साहब, अब देखते ही रह जाओगे। और सीधा भाई तुम्हारा भाई सीधा ही अंदर जाएगा, कोई भी इसको रोकने वाला नहीं, नहीं पुलिस कोई भी नहीं रोकेगी भाई, क्योंकि हम भाई इसमें बहुत ही बड़े बिल्डर है, और बिल्डर का तो भाई आपको पता ही होगा कितना बढ़िया भाई नाम चलता है, आपने देखा ही होगा पुणे में क्या हुआ था, बिल्डर का ही नाम चलता है सभी जगह भाई। हमारे एयरपोर्ट पे आज की हमारी कार, ये मेरे लिए मेरा स्पेशल एयरपोर्ट है, मेरा पर्सनल है, उस पर मैंने भाई अपनी कार मंगवा ली है। तो भाई यहाँ पे आने वाली अपनी नई कार, तो अभी मैं यहाँ जाके भाई बातचीत करनी पड़ेगी कि हमारी कार कब आएगी भाई। और ये आप देख सकते हमारा ये है गोल्डन जहाज, आपने कभी भी नहीं देखा होगा भाई साहब, ये हमारा गोल्डन जहाज है, लेकिन हमारे पास एक और जहाज है वो आएगा, और इसमें कार आने वाली है भाई साहब। तो भाई मैं अपने दोस्त को भाई कॉल कर लेता हूँ भाई, और उसको पूछता हूँ कि भाई हमारी कार कितने बजे आएगी, और भाई कहाँ तक पहुँची है, और जहाज कहाँ तक पहुँचा, सब कुछ पूछ लेंगे। तो भाई मैं इसको कॉल करता हूँ लिंक को, और भाई कहाँ गया उसका नंबर, ये रहा भाई लिंक का नंबर, और भाई इसको कॉल कर लेता हूँ और इससे बात कर लेता हूँ भाई। और तो फ्लैंकिंग से बात हो चुकी है, उसने कहा भाई थोड़ी देर में तुम्हारी कार आने ही वाली है, हमारा जो प्राइवेट एयरपोर्ट है वहाँ जहाज आने ही वाला है कुछ ही देर में, ऐसा उसने कहा है। तो भाई वो तो हमारा दोस्त है तो इसकी बात तो हम मानेंगे ही। पर भाई मैं ऑफिस में देख के आता हूँ यहाँ पे क्या क्या है और क्या क्या नहीं है भाई साहब, देख ले तो कुछ कुछ ने भाई क्या किया है या नहीं किया। और भाई साहब फ्रैंकलिंग का मैसेज भी आ गया, और वो कह रहा है भाई अब तो फाइनल, फ्रैंकलिंग ने वो भी कहा कि भाई तुम्हारी कार आ गई है, लेकिन भाई फ्रैंकलिंग को मैंने नहीं बताया कि भाई मेरी कार पहुंच चुकी है। और भाई मैं आपको बता देता हूँ अब मेरी कार कैसी है और कैसे कलर की है भाई साहब। वो देखो सामने जो खड़ी है वो भाई हमारी कार है, और भाई आप सोचते ही रह जाओगे मैंने ऐसी कार ली है भाई, आप एक बार देखो भाई क्या बढ़िया कार है भाई, वो भी ब्लू और भाई ब्लैक कलर में, क्या मस्त लग रही है। और भाई इसकी अलॉय तो देखो भाई, रेड ब्लैक कलर की अलॉय, और भाई व्हील की रिम तो देखो इसकी रेड कलर की भाई, क्या जलवा लग रहा है भाई। और इसके शीशे देखो पूरे के पूरे ब्लैक भाई, प्योर माफिया टाइप लग रही है। और भाई ये कौन सी कार, इसको नाम को आपको पता ही होगा भाई, AMG G63 जिसका नाम है भाई जी वैगन भाई। और भाई फ्रैंकलिन इतना बहुत बढ़िया आदमी है, और अपना बहुत बढ़िया अपना भाई फ्रेंड है कि भाई उसने अपना भाई चैनल का नाम भी इसमें लिखा हुआ है, और भाई अपना नाम भी इसमें लिख दिया है भाई, क्या भाई बढ़िया भाई इसने काम करा। तो भाई इसको लेके चलते हैं घर पे भाई, बढ़िया बहुत ही बड़ी गाड़ी है भाई। और भाई V8 इंजन है इसमें, आपने देखा होगा, देखो यहाँ पे देखा हुआ V8 इंजन है भाई,
चलो भाई तो इसको लेकर चलते हैं बाहर भाई। और भाई इसका इंटीरियर भी अंदर से रेड कलर का, देखो आप इसको देख सकते हो। तो भाई इसकी लाइट भी देखो भाई, इसके कलर से मैच हो रही है भाई। जैसे कलर की अपनी गाड़ी ऐसे कलर की इसकी लाइट भी है भाई साहब। और इसके एग्जॉस्ट देखो भाई, क्या बढ़िया है भाई। फ्रंकलिंग ने भाई बहुत ही बड़ा काम करा। बैठ गो भाई, इसको लेकर भाई चलते हैं। और सबसे पहले भाई इसका जो म्यूजिक है वो बंद कर देते हैं। और भाई साहब इसका भाई लूट तो देखो क्या बढ़िया जा रही है भाई साहब। इसको भाई ये लेके हम शहर में घूमेंगे ना, तो भाई देखना क्या क्या भाई बंदियाँ आएगी अपने पास। और भाई ये टर्न भी ऐसे मारती है ना कि आप देखते रह जाओगे। ये देखो भाई, वो भाई साहब ये तगड़ी कार है या भाई कुछ थोड़ा ही ले लिया ऐसा भाई सोचो। और भाई कुछ भी चल जाती है भाई, जो भी आया वो सामने से सीधा चला ही देती है। देखो देखो देखो, इसकी ब्रेक भी इतनी बढ़िया है ना कि आप बात ही मत पूछो। और भाई यहाँ पे एक दिक्कत आने वाली है, ये हमें भाई खोलने नहीं जाने नहीं देंगे क्योंकि ये खुले। ओ भाई साहब ये खुल गया भाई, वरना तोड़ना पड़ता तो भाई हमारी कार भी गंदी हो जाती भाई इसको तोड़ेंगे तो। लेट्स गो भाई, यहाँ जाके भाई इसका हॉर्न चेक कर लेते हैं, क्योंकि आप पता लड़की आ जाए भाई अपने पास। भाई इसको हॉर्न भी एकदम बढ़िया है भाई, देखा आपने। ये भाई मेरे को मारने आ रहा है, ये सब मेरे को मारने आ रहा है। ये एक मिनट इसको रुक तो रुक। अबे तेरी भैंस की टांग, मारेगा मुझे? तुझे भी मारना क्या मुझे? मारेगा कोई भी भाई मारना मैं भाई खोपड़ा से दूंगा सीधा भाई। मैं इस गेम का राजा हूँ भाई। और इस भाई मैं भाई शहर का राजा हूँ, कोई भी मुझे भाई छेड़ना मत वरना मैं इसको मार डालूंगा सीधा ही सीधा, पूछूंगा भी नहीं। और भाई साहब ये भाई मैं रॉन्ग साइड में चला रहा हूँ और सामने से गाड़ी ही आ रही है। और हमें चलना अपने घर भाई, घर का मैप डाल देता हूँ पहले इसमें, कैसे ही रहने देता हूँ और जाने देता हूँ भाई सीधा पर। डर तो लगता ही है भाई इसे चलाने में भाई, बहुत ही बड़ा डर लगता है इसको चलाने में भाई। ठूक जाएगी तो घर वालों को क्या बताऊंगा। और भाई मैंने भाई पंडित जी की बात सुनकर भाई अपने मुहूर्त में ही अपनी गाड़ी को छुड़ाया है भाई अपने मुहूर्त भाई। हम भाई सेफ जोन में ही चलते हैं, इसलिए भाई मुहूर्त देख के ही सभी की सभी गाड़ियाँ लेके हैं। साहब ट्रैफिक के नियम भी पालन तो करने ही पड़ेंगे। और देखो भाई क्या लग रही है भाई साहब, इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी बढ़िया गाड़ी भाई, मैंने कभी सोची नहीं थी इतना मैं ले पाऊंगा भाई, लेकिन ले ही ली भाई। और भाई मैं सोच रहा था बीच में भाई मैं निकला यहाँ से रास्ते में भाई अपनी साइट आ गई, तो साइट पे भी जाके चलता हूँ भाई, कितना काम चला। थैंक यू भाई, ये कह रहा है भाई ब्यूटीफुल कार है बॉस आपकी भाई। मैंने कहा थैंक यू भाई थैंक यू। तो यहाँ पे जाके मैं देख लेता हूँ भाई कितना काम हुआ और कितना नहीं। और भाई मैं एक बात बता दूँ, अपनी कार भी गंदी हो जाएगी भाई इसमें चलाएंगे, लेकिन भाई हम तो रोज ही इसमें चलाने वाले हैं, इसमें कुछ बात नहीं है, इसको भाई हम धो डालेंगे बाद में। तो भाई साहब हमारी साइट तो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, और भाई काम भी करना ही पड़ेगा वरना भाई इस गाड़ी के हफ्ते कहाँ से हम निकालेंगे भाई, वरना घर बेचना पड़ेगा, सब कुछ बेचना ही पड़ेगा भाई। और इसका थोड़ा हॉर्न भाई मुझे तगड़ा नहीं लग रहा, इसके लिए भाई इसका वो जो हॉर्न है वो मुझे चेंज करवाना पड़ेगा और अपने दोस्त के गैरेज में दे दूंगा भाई इसको। और मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त के गैरेज के अंदर भी भाई इसके पास भी जी वैगन है भाई, इसलिए भाई मुझे बहुत ही बहुत मन हुआ कि भाई एक गैरेज वाला जी वैगन दे सकता है तो हम तो भाई बिल्डर है, हम तो हमें भी लेना चाहिए भाई, इसलिए भाई बाद में मैंने भी जी वैगन ले ही ली भाई। और भाई आगे आगे तो और भाई बढ़िया बढ़िया कार लेने वाला हूँ, खोलने वाले हैं भाई कार का शोरूम करने वाले हैं भाई, वो भी ऐसा कि भाई किसी ने भी ऐसा शोरूम नहीं किया होगा, इतना बड़ा करने वाले हैं। और भाई इसमें इतनी तगड़ी तगड़ी कारें रखने वाले कि आप सोचो भी नहीं भाई, आपने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। तो भाई मैं इसके भाई बहुत ही प्यार से भाई निकालूंगा भाई, इतनी फास्ट भी नहीं चलाऊंगा। और भाई कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे अपने घर, और भाई मेरी बीबी और मेरे बच्चे को भाई दिखाऊंगा, और भाई मेरे बच्चे को पसंद आएगी तो इसके लिए ऐसी एक और लाऊंगा भाई। भाई यहाँ से एक लड़की बैठने वाली थी भाई, मैंने रिवर्स ले ली भाई, एक लड़की है भाई उसको मैं बिठा लेता हूँ भाई, इसने बैठ जाए तो भाई अपने घर लेके जाऊंगा इसको। और भाई साहब इसका हॉर्न तो देखो आपने, मुझे लगा भाई ये कुछ बढ़िया वाला होगा,
लेकिन इसका हॉर्न देखो भाई, म्यूजिक बजता है भाई इसमें, हॉर्न में भाई म्यूजिक बजता है भाई। मैंने सोचा भाई हॉर्न में कमी है, लेकिन भाई फ्रैंकलिन को कमाल का बंदा है भाई, इसने हॉर्न में भी कमी नहीं रखी। लेकिन भाई मुझे ऐसा म्यूजिक सुनने की बहुत आदत नहीं, इसलिए भाई मैं भाई चेंज करवा लूँगा। और भाई साहब हम पहुँच चुके हैं घर अपने भाई, देखो तो भाई अपने घर के अंदर आने ही वाली है गाड़ी, तो देखो आप भाई क्या बढ़िया लगेगी भाई। और भाई साहब आते ही भाई मैंने ठोक दी, घर घर आते ही ठोक दी, लेकिन भाई वो बैरियल अच्छा लग रहा था लेकिन मैंने निकाल डाला। कोई बात नहीं, नया लगवा देंगे वो तो भाई। लेकिन घर पहुंच गई उसका भाई, बहुत ही बड़ा मुझे आनंद हुआ भाई। देख सकते हो आप क्या बढ़िया लग रही है भाई साहब ये हमारी गाड़ी। ओ भाई साहब इतनी बहुत अच्छी भाई, मैंने नहीं सोचा था भाई हमारी गाड़ी इतनी बहुत बढ़िया होगी। लेट्स गो भाई, तो चलते हैं अब घर के अंदर और भाई अपने बच्चे और बीबी को बता दे कि बैरियल नया लगा देंगे भाई। और मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं आ गया हूँ डेडीज बैग। और भाई एक बार आप देखो भाई कार कैसी है। और भाई मुझे भी तारक की तरह रोज ये जूस पीना पड़ता है भाई साहब, ये साली मुझे रोज जूस पीती है, लेकिन आज कह रही है कि आज जूस नहीं पीना है। हाँ भाई साहब वाह, क्या बहुत ही बढ़िया दिन है भाई हमारा ये। और भाई आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो को देखते रहना, और हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट कर देना और क्या क्या चाहिए, और भाई लाइक भी कर देना, और आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। तो लेट्स गो भाई, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय।